हेलो दोस्तों, महेश ट्यूब में आपका स्वागत है। कई दिन बाद ये वीडियोस अपडेट हो रहा है। एक्चुअली मेरी थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो गई थी, इस कारण से वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। फिर से इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, वीडियो आपको मिलती रहेंगी कंटिन्यू बेसिस पर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमने नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी एंड डब्ल्यू एन मीन्स वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसको हम शॉर्ट में नाडा NADA एंड WADA बोलते हैं। ठीक, तो इस बारे में आज बात करेंगे। अभी हम क्यों बात करें इस बारे में, एक्चुअली क्या हुआ है कि जो हमारी पार्लियामेंट है उसने उसने एंटी डोपिंग बिल पास किया है अनएनिमसली। इसका मतलब ये होता है कि सर्वसम्मति से, मीन्स कोई भी उसको अपोज नहीं कर रहा है। ठीक है, नो वन अपोजिंग द बिल। ठीक, द बिल का इसका एम क्या है, द बिल एम्स टू प्रोवाइड स्टेचुरी फ्रेमवर्क ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, एंड नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी इन स्पोर्ट्स। ये जो नाडा एंड वाडा जो होता है, अथवा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी अथवा ये नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी, ये जो होता है स्पोर्ट्स में यूज़ होती है। जब स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं वो अपना परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे ड्रग्स अथवा तो मेडिसिन यूज़ करते हैं। एक्चुअली मेडिसिन कहना अच्छा सुटेबल टर्म्स नहीं होगा, बिकॉज़ ये नेगेटिव चीज़ें होती हैं, क्योंकि वो अपना परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए कोई ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जिससे उन्हें थकावट कम हो, उनका परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो। ठीक है, उन्हें एनर्जी ज़्यादा मिले, तो इसलिए ये नेगेटिव चीज़ें होती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स सेट इंडिया विल नाउ ज्वाइन द लीग ऑफ नेशन लाइक US, चाइना, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, जापान टू हैव ला। मतलब अब इंडिया के पास ऐसा नियम ला कानून बनेगा जो कि ये सारी कंट्री US, चाइना, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया के पास ऑलरेडी है, तो उस लिस्ट में इंडिया भी शामिल हो गया है। राइट, इसके कुछ प्रोविजन्स हैं। प्रोविजन्स क्या है, देखिए, ये प्रोहिबिट करता है एथलीट्स फ्रॉम एंगेजिंग इन डोपिंग। द लेजिस्लेशन प्रोहिबिट एथलीट्स एथलीट सपोर्ट्स पर्सनल एंड अदर पर्सन फ्रॉम एंगेजिंग इन डोपिंग इन स्पोर्ट्स, मीन्स स्पोर्ट्स में कोई भी ऐसे डोपिंग को ये प्रोहिबिट करता है। ठीक है, पावर टू नाडा, नाडा मीन्स नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसके पास पावर होती है कि ये नाडा गिव पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन लेविंग सेंशन फॉर एंटी डोपिंग रूल्स वॉलेशन डिसिप्लिनरी प्रोसीजर टू एडॉप्टेड द पावर ऑफ इंस्पेक्शन सैंपल कलेक्शन एंड शेयरिंग फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब ये सारी चीज़ें वो कर सकता है कि उसके पास अगर कोई चीज़ें रूल वॉयलेट हो रहा है तो उसके अगेंस्ट वो एक्शन ले सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है, सैंपल को कलेक्ट कर सकता है, इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकता है एंड इंफॉर्मेशन को फ्री फ्लोली फ्लो कर सकता है। ठीक है, डिसक्वालिफिकेशन फॉर वॉयलेशन अथवा वॉयलेटिंग रूल, इन केस ऑफ अ वॉयलेशन ऑफ अ डोपिंग रूल द एथलीट्स विल बी डिसक्वालिफाइड। बिसाइड इसके अलावा मेडल पॉइंट्स एंड प्राइज एंड इक्वालिटी पार्टिसिपेट इन कंपटिशन आर रेलिवेंट प्रिस्क्राइब पीरियड एंड फाइनेंशियल सेंक्शन आर एक्शन द वॉयलेटर विल हैव टू फेस। मतलब ये सारी चीज़ें उनको फेस करनी पड़ेगी अगर वो रूल्स को वॉयलेट करते हैं। ठीक है, प्लानिंग मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एंटी डोपिंग रूल। ठीक है, द बिल प्रोवाइड फॉर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग द एंटी डोपिंग एक्टिविटी एज वेल एज इन्वेस्टिगेटिंग एंटी डोपिंग रूल वॉयलेशन, मीन्स ये सब एक्टिविटी होती है अगर रूल्स को वॉयलेट कर रहे हैं तो। इन कंसर्न इज विद द यूनेस्को कन्वेंशन ऑन डोपिंग। यूनेस्को आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट्स होता है एंड कम्प्लायंस विद सच अदर ऑब्लिगेशन एंड कमिटमेंट, मीन्स ऐसा कोई और ऑब्लिगेशन हो तो वह कमिटमेंट्स हो तो उसके लिए भी इसको कम्प्लायंस होना पड़ता है। ठीक है, देखिए इस ये जो बिल हुआ है इसमें कुछ इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर जनरल का जो क्वालिफिकेशन है वो देखते हैं। क्वालिफिकेशन ऑफ अ डायरेक्टर जनरल आर नॉट स्पेसिफाइड इन द बिल, बिल में ऐसा कुछ स्पेसिफाइड नहीं है।
एंड आर लेफ्ट टू द नोटिफाइड थ्रू द रूल, रूल्स के अकॉर्डिंग उस पर छोड़ दिया गया है कि वो उसके अकॉर्डिंग जो भी होगा एक्शन लेंगे अथवा डिसीजन लेंगे, ठीक। क्योंकि डायरेक्टर जनरल जो है उनका कोई क्वालिफिकेशन तो अभी ऐसा फिक्स नहीं है, ठीक है। रिमूवल ऑफ द डायरेक्टर जनरल, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे रिमूव द डायरेक्टर जनरल फ्रॉम ऑफिस ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। इन दो चीज़ों पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डायरेक्टर जनरल को रिमूव कर सकती है। कौन कौन से दो ग्राउंड से? मिसबिहेवियर अथवा इनकैपेसिटी। इनकैपेसिटी मीन्स कि ये तो वो मिसबिहेव कर रहे हैं अथवा उनके अंदर कैपेसिटी नहीं है उस चीज़ को डील करने के लिए अथवा वो डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। कुछ और भी ग्राउंड है, सच अदर ग्राउंड लिविंग दिस प्रोविजन टू द डिस्क्रेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के डिस्क्रेशन पर ही निर्भर करेगा, मे अफेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल, ठीक है। अगेंस्ट द मंडेट ऑफ वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। वाडा मीन्स वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। दिस ऑल्सो गोज अगेंस्ट द मंडेट ऑफ द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है, उसके अगेंस्ट रहेगा। हम पढ़ क्या रहे एक्चुअली, आपको पता है क्या, हम उसके कुछ प्रॉब्लम्स पढ़ रहे हैं कि इस विल जो अभी इंट्रोड्यूस हुआ है राज्यसभा में इसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो उसकी प्रॉब्लम्स में ये है कि ये अगेंस्ट करेगा वाडा के मंडेट जो भी हैं, ठीक है। पावर ऑफ बोर्ड, अंडर द विल द बोर्ड हैज पावर टू रिमूव द मेंबर ऑफ डिसप्लिनरी पैनल एंड अपील पैनल ऑन द ग्राउंड विच विल स्पेसिफाइड बाय द रेगुलेशन एंड नॉट स्पेसिफाइड इन द विल। मीन्स द बोर्ड के पास पावर है कि उसको रिमूव कर सकता, रिमूव द मेंबर, ठीक है, ऑफ द डिसप्लिनरी पैनल एंड अपील पैनल के लिए अपील भी कर सकता है ऑन द ग्राउंड विच स्पेसिफाइड रेगुलेशन एंड नॉट स्पेसिफाइड इन द बिल। जो रेगुलेशन में स्पेसिफाइड तो है बट वो बिल में स्पेसिफाई अभी नहीं है, ठीक है। नो रिक्वायरमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू बी हियर्ड, देर इज़ नो रिक्वायरमेंट टू गिवन देम एन अपॉर्चुनिटी टू बी हियर्ड, मतलब उनको सुनने की कोई अभी अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई है। दिस में अफेक्ट द इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग ऑफ द पैनल, ये जो है फंक्शन जो है वो जो पैनल है उनकी इंडिपेंडेंस की फंक्शनिंग को अफेक्ट कर सकता है। अब नाडा के बारे में बात करते हैं कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी क्या होता है, ठीक है। देखिए, इट वॉज सेटअप एज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 SRA, ठीक है, आप जानते हैं 1860। On 24th November 2005 with mandate for the dope free sports in India. Actually इसका purpose ही यही है कि इंडिया में जितने स्पोर्ट्स हैं उनमें डोपिंग ना हो, डोपिंग फ्री हो जाए, ठीक है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आर टू इम्प्लीमेंट एंटी डोपिंग रूल एज पर वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी कोड, रेगुलेट डोप कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है, प्रमोट एजुकेशन एंड रिसर्च एंड क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द डोपिंग एंड इल इफेक्ट, मतलब जो उसके इल इफेक्ट्स हैं एंड उसके बारे में कि अवेयरनेस हो, ये सारी चीज़ें नाडा का काम होता है, ठीक है। नाडा जो होती है उसमें द नेसेसरी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्या क्या होता है, प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग, इम्प्लीमेंटिंग, मोनिटरिंग, एडवोकेटिंग इम्प्रूवमेंट इन डोपिंग कंट्रोल, राइट। कोऑपरेशन विथ अदर रिलेवेंट नेशनल ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी एंड अदर एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं नाडा में। उसके बाद बाडा भी होता है, WADA, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ये क्या है, ये नवंबर 1999 में सेटअप करी गई है, ठीक है, एंड इस सेटअप अंडर द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC के अंडर ये 1999 में सेटअप करी गई है। इसको रिकॉग्निशन मिला है किससे, यूनेस्को से, कब मिला है 2005 में, यूनेस्को इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट्स, ठीक है, 2005 में इसको रिकॉग्निशन मिला है। सेटअप कब करी गई है, 1999 में, ठीक है। वाडा का जो प्राइमरी रोल होता है टू डेवलप, हार्मोनाइज एंड कोऑर्डिनेट एंटी डोपिंग रेगुलेशन अक्रॉस ऑल स्पोर्ट्स एंड कंट्री, मतलब वाडा आप समझ सकते हैं कि जो नाडा है वो नेशनल अपने इंडिया लेवल का है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जो वाडा है वो वर्ल्ड लेवल पर है। तो वर्ल्ड लेवल पर जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं, जितनी भी सारी कंट्री हैं, उन सबके लिए ये रेगुलेट करता है।
इट डज सो बाय इंश्योरिंग प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वाडा कोड एंड इट्स स्टैंडर्ड कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन इन टू द डोपिंग इंसिडेंट्स, कंडक्टिंग रिसर्च ऑन डोपिंग एंड एजुकेटिंग स्पोर्ट्स पर्सन एंड रिलेटेड पर्सोनल एंटी डोपिंग रेगुलेशन. ये सब कुछ वाडा का काम होता है, ठीक है. मीन्स इंडिया के लेवल पर अगर बात करें तो नाडा होता है कि डोपिंग जितनी भी टाइप के स्पोर्ट्स हैं उन सब में डोप फ्री स्पोर्ट्स होना चाहिए. ऐसे वर्ल्ड लेवल पर बात करें तो वर्ल्ड लेवल में जितनी सारी कंट्री हैं उन सारी कंट्रीज में जितने टाइप के स्पोर्ट्स होते हैं उन सब के लिए वाडा रेगुलेट करता है कि कोई भी डोपिंग ना हो किसी भी स्पोर्ट्स में. कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन, मेल फीमेल, कोई भी किसी टाइप का डोप ना करें, ठीक है. डोप फ्री हो जितने भी स्पोर्ट्स हैं, ये वाडा नाडा का काम है, ठीक है. अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं. अभी तक हमने जो पढ़ा है बस उसी को यूज़ करके क्वेश्चन करते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी मीन्स वाडा इज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट्स इन 2005. क्या ये सही है? सेकेंड, नाडा मीन्स नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी वॉज सेटअप एज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी एंड सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एट 1860. तो आप देखेंगे कि अभी पीछे यही पढ़ के आए सेम चीज़. बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है. जब वाडा होता है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसको रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन 2005. एक्चुअली ये सेटअप कब किया गया? 1999 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया, 2005 में. यही पीछे अपन ने पढ़ के आया, ठीक है. जो नाडा है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, वाज सेटअप अंडर द रजिस्टर्ड सोसाइटी एंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860. ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है. मीन्स बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है. तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ, इसका आंसर दोनों करेक्ट है, ठीक है. तो इस तरीके से क्या है, मैं अभी लेक्चर्स को रिज्यूम कर रहा हूँ. एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ा सा खराब बिगड़ गई थी, तो अभी कंटिन्यू करूँगा, ठीक है. आप जुड़े रहिए, बने रहिए, पढ़ते रहिए आगे. तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में. तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय.